लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अनवल हवलदार ने आज सेवा कार्यक्रमों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सीवू जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित जन्म दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अनवल हवलदार को बधाइयां देने एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेता मौजूद नजर आए। सर्वदलीय नेताओं ने अनवल हवलदार के विकास और जनसेवी कार्यों का गुणगान करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। अनवल हवलदार ने जो काम किया है कोविड 19 में, वो डिजर्व करते हैं कि उनको टिकट दी जाए। बर्थडे हर साल हर आदमी का होते रहता है। बर्थडे से महत्व उन्होंने लोगों का काम किया है, लोगों का सुख दुख में भाग लिया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष अनवल हवलदार का जन्मदिन सामाजिक और सेवा कार्यक्रमों के नाम रहा। नेरुल सेक्टर 23 के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित बर्थडे कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अनवल हवलदार ने अपने परिजनों और तमाम नेताओं के बीच केक काटा और सबकी बधाइयां स्वीकार की। इस अवसर पर एनसीपी नेता सुल्तान मालदार, सैयद पीर फकीरा, कांग्रेस नेता संतोष शेट्टी, नासिर हुसैन, समाज सेविका मीरा पाटिल एवं शिवसेना के स्थानीय नेता अरुण गुरव और वरिष्ठ समाज सेवक इकबाल कवारे समेत कई पदाधिकारी खास तौर पर मौजूद रहे। अनवल हवलदार के जन्मदिन कार्यक्रम की शुरुआत विकास कार्यों के उद्घाटन से शुरू हुई। इस अवसर पर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंद नागरिकों में खाद्यान्न का वितरण किया। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष शेट्टी एवं एनसीपी नेता सुल्तान मालदार ने अनवल हवलदार की जन सेवा और विकास कार्यों की सराहना करते हुए स्थानीय जनता से खुला समर्थन देने की अपील की। बर्थडे हर साल हर आदमी का होते रहता है। बर्थडे से महत्व उन्होंने लोगों का काम किया है, लोगों का सुख दुख में भाग लिया है, हर चीज़ के लिए भागम दौड़ करता है। जो इधर का नगर सेवक ने नहीं कर सका काम, वो उन्होंने करके दिखाया। इसके लिए उसका शुभेच्छा देने के लिए मैं आया हूँ। बर्थडे हम लोगों के पास हर दिन बर्थडे होता है। आज अच्छा काम करने वालों को साथ देना हमारा धर्म है। विश्वास है मुझे नई मुंबई में महा विकास अघाड़ी 100 से ज्यादा सीट आएगा, नई मुंबई में विजय होगा। इसके लिए अनवल हवलदार जैसा कार्यकर्ता का जरूरत है। हम लोग आज उसका लड़की वो एक्टिव है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड लोगों को हम लोग आज जरूरत है। इसके लिए आज का परिस्थिति इतना खराब है, लोगों का नौकरी नहीं है, हर चीज़ का दाम बढ़ते जाता है और खाली हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा उठा के लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का काम ये केंद्र सरकार झूठों का सरदार सरकार है। झूठ झूठ बोलिए लोगों को फंसाने का काम करता है। आज रेडियो मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, कोई हो, लोगों को फंसाने का काम उसका तारीफ करने का काम करता है। तारीफ करना जैसा मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं लोगों को। अनवर हवलदार साहब को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले इलेक्शन में उम्मीद करता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनको टिकट दी जाए। ऐसा मैं हमारे जो सीनियर नेता है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अनवर हवलदार ने जो काम किया है कोविड 19 में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे मोटे ड्रेनेज के प्रॉब्लम है उनके वार्ड के, संगठन को मजबूत करना है, बहुत सारा काम हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और वो डिजर्व करते हैं कि उनको टिकट दी जाए। वहीं अपने जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों की शुभकामनाएं पाकर उत्साहित हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल जिला अध्यक्ष अनवल हवलदार ने कहा कि प्रभाग का विकास और नागरिकों को उत्तम सेवा सुविधाएं मिले, यह लक्ष्य लेकर वे अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक प्यार मोहब्बत के लिए जो मैं उन लोगों में काम कर रहा हूँ और उनको जो इसका
बेनिफिट मिल रहा है या उनको एक भरोसा जो मुझ पर है, मेरे काम के ऊपर है, उसके तहत ये लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। जो लोग नहीं आ सके किसी वजह से वगैरह, उन्होंने भी मुझे फ़ोन के ऊपर या अलग अलग तरह से बधाई दे करके उन्होंने मुझे बधाई दी है, उन्होंने मैसेज मुझे दिया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे लेकिन मुझे बधाई देने में और हमेशा वो मेरे साथ रहे। मैं इस चीज़ को इस तरह से लेता हूँ कि जो एथलीट्स के अंदर जो हिस्सा लेते हैं और जो फर्स्ट नंबर पर नहीं आते हुए सेकंड और थर्ड के ऊपर आते हैं और वो एक और दो सेकंड का उसके अंदर फर्क होता है, तो उनको पता होता है कि ये इस एक और दो सेकंड की महत्व क्या है। बिल्कुल मैं उस तरह से सोचता हूँ कि आज मेरे पास जितना समय है वो समय मैं प्रभाग की जनता के लिए लगाऊँ, प्रभाग के नागरिकों को लगाऊँ। और मेरी एक आदत है, मैं किसी के कंप्लेंट आने तक के इंतज़ार नहीं करता। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये झाड़ ठीक नहीं है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो मैं इमीडिएट वहाँ पर महापालिका या रिलेटेड लोगों को निवेदन दे करके उसको करने की कोशिश करता हूँ। और काम करने का तरीका ऐसा है कि कमिटेड टू कमिटमेंट, इस तरह का काम करने का तरीका है। जब तक कि वो काम नहीं होता तब तक मैं वो काम को छोड़ता नहीं हूँ, वो काम पूरा करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसा कि आपने देखा, ये हर एक मेरे काम का गवाह है कि इनके एरिया में, फिर वो इस प्रभाग के सेक्टर 27 के हो, 19 के हो, 23 के हो, 12वें गांव के हो, 25 के हो, इन सब लोगों को ये पता है कि अनवर हवलदार ने, नसीम हवलदार ने कहीं ना कहीं हमारे एरिया में कुछ ना कुछ काम किया है जिसका फायदा हमको डायरेक्ट हो रहा है। इस अवसर पर युवा समाज सेविका नसीम हवलदार ने कहा कि उनके पिता अनवर हवलदार बिना पद के ही जनता का काम कर रहे हैं और यदि नगर सेवक बने तो जनता के लिए और भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। तो बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए, दुआ कीजिए कि हम आने वाले इलेक्शन में हमारी तरफ से जो रिजल्ट होगा वो निकले और फिर इंशाल्लाह जैसे हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा करें इस जगह के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।